स्टोरी में कुछ बहुत खास खास चीजें हुई हैं जिसमें आपने समोसे खाए हैं, चाय पिए हैं, वीडियो कॉलिंग की अपनी माँ को, तो क्या था वो पूरा मामला, लोग जानना चाह रहे हैं। देखिए मैं हमें चंदेरी से भी बहुत प्यार है जी, जैसे बाकी क्षेत्रों में है जी। और चंदेरी की खासियत एक बात है कि उनकी साड़ी, चंदेरी की साड़ी पूरे देश में हम फैलाना चाहते हैं इस नाम को। ओके, तो मैं वो कलाओं से मैं जुड़ा हुआ हूँ जो ऐतिहासिक है और जो हाथ से हैंडलूम होता है, हाथ से बनाते हैं वो साड़ी, तो मैं वो जो कारीगर हैं मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। तो एक तरह से ये ब्रांडिंग है उस चंदेरी साड़ी की, क्योंकि संध्या जी करते रहे हैं, आपकी माँ भी कर रही थी, तो बातचीत क्या हुई आपने जो वीडियो कॉल किया था? मैं समझना चाहता था कि कैसे करते हैं, कैसे वो जो कला है कैसे होता है, उसमें फ़र्क क्या है जो मशीन वाला है और नॉर्मल वाला में, दाम का क्या फ़र्क है, कितना टाइम लगता है, और ये सब जानकारी में ले रहा था। कितने अभी कारीगर हैं जो ये काम कर रहे हैं और उनको वापस रिवाइव कैसे किया जाए, तो ये वाद विवाद हो रही है। अच्छा, तो कोई साड़ी उन्होंने आपको पसंद करके बताई कौन सी लेना है? जी। तो आपने, मैंने खरीदी थी वहाँ से, तो मैं वो साड़ी किसके लिए? अपनी माँ के लिए खरीदी। माँ के लिए खरीदी। चलिए उसकी कीमत भी बता दीजिए, लगभग कितनी कीमत? वो तो मुझे नहीं जाता, मैंने उनसे पूछा था लेकिन उन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए, तो मैं क्या करूँ। तो मैं उनसे कह रहा था कि मैं वापस आऊंगा और मैं पर्यटक को भी लेके आऊंगा ताकि लोग इस कला के बारे में और जाने। नहीं, सिंधिया जी ने चूंकि उस हैंडलूम के लिए और उसके लिए बहुत काम किया है तो बिल्कुल किया है। हाँ, आपको दिखा उन लोगों के बीच? बिल्कुल दिखा, लेकिन हम चाहते हैं कि और पर्यटक यहाँ आए और लोगों को पता चले और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जाए। आपने हैंडलूम राजस्थान में सुना होगा, इसी तरह चंदेरी का भी नाम पूरे विश्व में लेके जाना चाहते हैं। तो इसके अलावा पिछले दो महीने देखा, वो माहौल बड़ा जोशीला है, शक्तिशाली है, यहाँ देख रहे हो आप, हमारे साथ सब युवा जुड़े हुए हैं और हम रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं। पिछले 3 दिन से आप दौरे पर हैं, इस दौरे में कुछ बहुत खास खास चीजें हुई हैं जिसमें आपने समोसे खाए हैं, चाय पिए हैं, वीडियो कॉलिंग की अपनी माँ को, तो क्या था वो पूरा मामला, लोग जानना चाह रहे हैं। देखिए मैं, हमें चंदेरी से भी बहुत प्यार है जी, जैसे बाकी क्षेत्रों में है जी। और चंदेरी की खासियत एक बात है कि उनकी साड़ी, चंदेरी की साड़ी पूरे देश में हम फैलाना चाहते हैं इस नाम को। ओके, तो मैं वो कलाओं से मैं जुड़ा हुआ हूँ जो ऐतिहासिक है और जो हाथ से हैंडलूम होता है, हाथ से बनाते हैं वो साड़ी, तो मैं वो जो कारीगर हैं मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। तो एक तरह से ये ब्रांडिंग है उस चंदेरी साड़ी की, क्योंकि संध्या जी करते रहे हैं, आपकी माँ भी कर रही थी, तो बातचीत क्या हुई आपने जो वीडियो कॉल किया था? मैं समझना चाहता था कि कैसे करते हैं, कैसे वो जो कला है कैसे होता है, उसमें फ़र्क क्या है जो मशीन वाला है और नॉर्मल वाला में, दाम का क्या फ़र्क है, कितना टाइम लगता है, और ये सब जानकारी में ले रहा था। कितने अभी कारीगर हैं जो ये काम कर रहे हैं और उनको वापस रिवाइव कैसे किया जाए, तो ये वाद विवाद हो रही है। अच्छा, तो कोई साड़ी उन्होंने आपको पसंद करके बताई कौन सी लेना है? जी। तो आपने, मैंने खरीदी थी वहाँ से, तो वो साड़ी किसके लिए? अपनी माँ के लिए खरीदी। माँ के लिए खरीदी है। चलिए उसकी कीमत भी बता दीजिए, लगभग कितनी कीमत? वो तो मुझे नहीं जाता, मैंने उनसे पूछा था लेकिन उन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए, तो मैं क्या करूँ। तो मैं उनसे कह रहा था कि मैं वापस आऊँगा और मैं पर्यटक को भी लेके आऊँगा ताकि लोग इस कला के बारे में और जाने। नहीं, सिंधिया जी ने चूंकि उस हैंडलूम के लिए और उसके लिए बहुत काम किया है तो बिल्कुल किया है। हाँ, आपको दिखा उन लोगों के बीच? बिल्कुल दिखा, लेकिन हम चाहते हैं कि और पर्यटक यहाँ आए और लोगों को पता चले और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जाए। आपने हैंडलूम राजस्थान में सुना होगा, इसी तरह चंदेरी का भी नाम पूरे विश्व में लेके जाना चाहते हैं।